आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट हार्वेस्टेड वाटर. व्हाट इज हार्वेस्टेड वाटर? आके किनारा द प्लाटिंग ऑफ एलोन इन द बॉर्डर ऑफ अ प्लाट इज कॉल्ड एंड हार्वेस्टेड वाटर. जब हम किसी प्लाट के किनारे पे साके एक वर्ष से साके पौधों को लगाते हैं तो इसे हम साके किनारा कहते हैं. कॉन्सेप्ट बॉर्डर ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ हार्वेस्टेड वाटर इज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाई ब्रिटिश. ये अंग्रेजों द्वारा इसका विचार दिया गया भारत में और इट इज बिकम ए कॉमन फीचर ऑफ ए इंडियन गार्डन. यह कॉमन फीचर बनता जा रहा है. इसको प्रत्येक गार्डन में अगर हर्बेशियस बॉर्डर नहीं है तो अधूरा माना जाता है. टाइप्स साकी किनारे दो प्रकार के होते हैं, सिंगल फेस एंड डबल फेस. एक दिशा साकी किनारा तथा दो दिशा साकी किनारा. आप लोग सिंगल फेस बॉर्डर इज मेड व्हेन बॉर्डर इज सिचुएटेड ऑन द ऑन वन साइड ऑफ ए प्लाट. जब प्लाट के एक किनारे पे बॉर्डर स्थिर होता है तो इसे हम सिंगल फेस हर्बेशियस बॉर्डर कहते हैं. एंड हैविंग सब बैकग्राउंड, और इसके पीछे कुछ बैकग्राउंड होता है. सपोज करिए ये आपका बॉर्डर है तो दिस इज द प्लाट. देन इन सिंगल फेस देर शुड बी सब बैकग्राउंड लाइक सबली बॉर्डर वॉल. अरेंजमेंट ऑफ एनिमल्स इन बॉर्डर इज डन अकॉर्डिंग टू देयर हाइट. सिंगल फेस में हम एक वर्षीय पौधों को उनकी ऊंचाई के अनुसार लगाते हैं. जैसे पहले टाल, फिर मीडियम, फिर ड्वार्फ. इस तरह से हम पौधों को एडजस्ट करते हैं. टाल्स इन बैक, मीडियम इन सेंटर एंड ड्वार्फ इन द फ्रंट लाइन. ड्वार्फ को हम सबसे आगे की तरफ लगाते हैं तो ये असेंडिंग ऑर्डर में होता है. नीचे से आगे से असेंडिंग में ऑर्डर में होता है. और जब हम इधर से देखते हैं तो दिस इज डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है. इस प्रकार से आगे से देखने पे चढ़ते हुए क्रम में लगाया जाता है असेंडिंग ऑर्डर में. डबल फेस हर्बेशियस बॉर्डर व्हेन द प्लाट इज बिग. जब हमारा प्लाट बड़ा होता है और उसमें बीच में हर्बेशियस बॉर्डर बनाते हैं तो ये दोनों ओर से देखा जा सकता है. ऐसे बॉर्डर को हम हर्बेशियस बॉर्डर या डबल फेस साके किनारा कहते हैं. इन सच देयर इज नो बैकग्राउंड. इसमें कोई भी बैकग्राउंड नहीं होता, कोई भी दीवार या सभी बॉर्डर नहीं होता. टाल प्लांट्स आर प्लांटेड इन द सेंटर. जब हम प्लाट के बीच में हर्बेशियस बॉर्डर बनाते हैं साके किनारा कहते हैं तो इसे डबल फेस हर्बेशियस बॉर्डर कहा जाता है. दो दिशा साके किनारा कहा जाता है. इसमें टाल प्लांट जो है वो सेंटर में लगाते हैं, इसके बाद मीडियम और टाल लगाते हैं. इस पर क्या, इसके बाद मीडियम और टाल लगाते हैं. दिस इज द टाल, मीडियम एंड ड्वार्फ. इसी प्रकार से यहाँ पे मीडियम और ड्वार्फ हो जाता है आपका. ये दोनों प्रकार से देखा जा सकता है और दोनों तरह से इसका लुफ्त लिया जा सकता है. टाल एनिमल्स आर प्लांटेड इन द सेंटर, मीडियम एंड ड्वार्फ ऑन बोथ साइड इन डिसेंडिंग ऑर्डर. उतारते हुए क्रम में इनको लगाया जाता है, मीडियम एंड ड्वार्फ, सो दैट ड्यूटी कैन बी वॉच फ्रॉम बोथ साइड. इनका दोनों तरफ से आनंद उठाया जा सकता है. साइट फॉर हर्बेशियस बॉर्डर, साके किनारे की किस साइड में बनाना चाहिए है? तो इसके लिए ओपन सनी सिचुएशन बहुत ही जरूरी है. खुली हुई धूप, इसको मैक्सिमम आवर्स मिलने चाहिए. मोस्ट प्रोबेबली इट शुड बी सिचुएटेड इन साउथ डायरेक्शन. इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम टू सेलेक्ट साइट फॉर साउथ डायरेक्शन देन इट शुड बी सिलेक्टेड ऑन ईस्ट एंड लास्ट चॉइस इज वेस्ट. अगर ईस्ट में भी संभव नहीं है तो लास्ट में इसे वेस्ट में अरेंज करना चाहिए. बैक एंड फोरग्राउंड. बैकग्राउंड को ये पीछे की ओर, जब हम एक फेस साके किनारा बनाते हैं तो उसके पीछे जैसे ड्वार्फ फ्लावरिंग ट्रीज होने चाहिए, छोटे फूल वाले पौधे लगे हों, या सर्बरी बॉर्डर हो या ब्रिक वॉल हो. ट्रेनिंग ऑफ स्वीट पी वगैरह को भी लगाया जा सकता है. जबकि फोरग्राउंड जो हर्बेशियस किनारे के आगे वाला हिस्सा है, सपोज करिए आप यहाँ हर्बेशियस बनाए तो दिस इज द फोर ग्राउंड एंड दिस इज द बैकग्राउंड. दिस इज द बैकग्राउंड एंड दिस इज द फोरग्राउंड. आगे वाला भाग जो है वो फोरग्राउंड
ग्राउंड कहलाता है, जबकि पीछे वाला भाग बैकग्राउंड कहलाता है। जनरली आप टर्फ एंड ग्रास, फोर ग्राउंड में क्या होता है, यहाँ पे ग्रास या लान लगी होती है, जिससे सर्वाइज जो कि हमें रेस्ट करते वक्त आनंद का, फूलों का आनंद लेने में मदद करते हैं। जब आप हम यहाँ लान में रेस्ट करते हैं तो हर्बेशियस बॉर्डर को देख करके आप उसका लुत्फ उठाते हैं। इस प्रकार से दिस इज द फोर ग्राउंड एंड दिस इज द बैकग्राउंड। नेक्स्ट साइज ऑफ बॉर्डर, साइज ऑफ बॉर्डर, बॉर्डर का आकार क्या होना चाहिए, दिस इज द डिपेंड ऑन द एबिलिटी ऑफ द स्पेस। लेंथ मे बी ऑफ एनी साइज, बॉर्डर की लेंथ किसी भी साइज की हो सकती है, बट विड्थ शुड बी अबाउट 1 to 1.5 meter और मोर अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी ऑफ प्लेस। विड्थ शुड बी 1 to 1.5 meter। दिस इज द वे। नेक्स्ट आई विल टीच यू नेक्स्ट।